जिस चौपाल पर लोग बैठकर हंसी मजाक करते थे, आज उस चौपाल पर पुलिस फोर्स बैठी नजर आई। घरों की खिड़की से महिलाएं झांकती नजर आईं। लोग सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है, कहीं फिर से विवाद तो नहीं हो जाएगा। लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे कि बस पहले की तरह अब शांति हो जाए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतना छोटा सा मामूली सा विवाद इतना भयावह रूप ले लेगा। जैसे तैसे एक पीड़ित परिवार ने अपनी जान बचाई और जान बचा अपनी साथ घटी घटना को साझा किया। आपको बता दें, कल रात टीला नंदराम मंटोला में रविवार की रात को दो वर्गों में टकराव हो गया और उसके बाद एक पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी की गई व सीसी की बोतलें फेंकी गईं और जिससे सामने वाले पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए। घायल पक्ष से प्रमोद ने बताया कि वह रात के वक्त पानी लेने गया था। पानी लाते वक्त जब वह लौट रहा था तो कुछ लोगों ने उसे पैर लगाकर गिरा दिया। उसके बाद उसका मजाक बनाया। मजाक के बाद दोनों की तू तू मैं हो गई। बात मारपीट तक पहुंच गई जिसके बाद पथराव हो गया। मामले को शांत कराने के लिए रात से ही पुलिस तैनात रही और आज सुबह भी पुलिस की हर जगह निगरानी रही। एक तरफ लोगों में खौफ दिखा तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे सड़कों पर खेलते कूदते नजर आए, जैसे कि इससे उन लोगों को कोई लेना देना ही ना हो। प्रमोद, क्या मामला हुआ था रात को? तो हुआ था, मैं पानी भरने जा रहा था, मैं पानी भर के आया हूँ तो उन्होंने मेरे मशीन लगा, उन्होंने मेरी टांग लगा दी, मैं गिर गया। गिर के मैंने उनसे बोला अच्छा लग रहा है, आते जाते उन्होंने अद्दा मार दिया। अद्दा मार दिया जी। तो कितने लोग थे वहाँ पर? तीन चार जने। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से भगाऊँ, उन्होंने अद्दा मारा, मेरे खून निकल गया था, मैं थाने गया था, रिपोर्ट कराई थी। जब तक उधर से आया हूँ तो उन्होंने शादी कर दी, उधर से हमने भी इधर से करी। तो फिर उसके बाद फिर क्या पथराव किसकी तरफ से शुरू हुआ था? कितने लोग थे? कम से कम होंगे, कम से कम 25-50 पूरा टोल था वो तो। अच्छा, पहली बार घटना ऐसी हुई देखी थी या फिर पहले भी हो चुका है? कई बार हो चुका है, एक बार कई बार कई बार हो चुका है यहाँ पर जी, बस कांड हुआ है और कई बार हो चुका है, कई बार कई बार हो चुका है, झगड़ा हो गया है। कोई रंजिश लगती है? कोई रंजिश जी, कोई रंजिश नहीं हमारी, तो छोटे से विवाद पे कुछ नहीं है। ठीक है, मेरी भाभी हॉस्पिटल में मरती है। ये बताइए कि आपके जो पता लगा तो घर में कितने लोग थे इस वक्त? आपके मेरे घर में मेरी बहन थी, मेरा भैया थे, दोनों भाई थे, मेरी बीवी थी, हम थे, पांच जने थे घर में। ये बच्ची है, छोटी है, गोद में लगी हुई है, गोद में लगी हुई है, तो मैं इनके बचाव के चक्कर में बचा के निकाल रहा था, तो वो यहाँ मेरे पास में ही आके मेरे पथराव कराया, तो मेरे पैरों में जहाँ लगाया यहाँ पे भी लगाए मेरे। पथराव करने वाले कौन कौन लोग थे? मुस्लिम लोग थे सब, इतना भी थे, अपने पड़ोस के नाम जानते नहीं है, कौन है कौन नाम जानेंगे हम, तो मुस्लिम लोग ही तो आएंगे ना उसमें। अच्छा, तो गोलियां भी चली थी? गोलियां हम यहाँ से छह सात फेरे फायरिंग हुई थी, यहाँ से सुबह यानी पुलिस वाला एक दरोगा था, वो उन्हें भी बाले में कितनी गोलियां किधर से क्या आई है, हम तो अपने बचाव के लिए हमारे बस्ती वाले आए, हम यहाँ से अपने परिवार लेके भाग जब यहाँ से थाने पहुँचे हैं ये लोग। पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस हमारा सपोर्ट कर रही है और क्या कर रही है। और कल रात को कुछ लड़के में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो दोनों अलग अलग समुदाय के थे, तो उस चक्कर में फिर काफ़ी पथराव हो गया था मंटोला में, लेकिन पुलिस जल्दी पहुंच गई थी, 5-10 मिनट में वो लोग सब भाग गए थे, तो काफ़ी थानों से फोर्स समय पर पहुंच गया था, रिजर्व लाइन से फोर्स आ गया था और PSC भी आ गई थी, तो स्थिति नियंत्रण में जल्दी आ गई थी, लेकिन उससे पहले थोड़ा पथराव हो चुका था। चोट किसी को गहरी कोई चोट आई नहीं है, पहले आदमी जिनमें लड़ाई हुई थी उनमें हल्की फुल्की चोटें हैं, तो उसके बाद स्थिति नियंत्रण में, रात भर रिजर्व लाइन फोर्स वहीं रहा और अभी स्थिति नियंत्रण में, और जिन लोगों ने ये घटना की है उनके कुछ वीडियो मिले हैं, हम उसके बेसिस पे कार्रवाई किए जा रहे हैं हम, और जिन्होंने ये घटना शुरू की है उनके नाम भी हमको पता चल चुके हैं, तो उनके खिलाफ भी आज कार्रवाई होने की आशंका है, कुछ लोग फरार हैं, हम उनको ढूंढने जा रहे हैं और बाकी स्थिति नियंत्रण में है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।